कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इटावा में मोबाइल फोन लेने के लिए उमड़ी हजारों महिलाएं, मोबाइल वितरण केंद्र पर मची अफरा तफरी। महिलाओं ने गेट के ऊपर से कूद कर किया प्रवेश। महिलाओं की तादाद अधिक होने से अव्यवस्था हो गई है, व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। दो घंटे से मोबाइल वितरण कार्य ठप हो गया है। धूप में घंटों महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। तो 1500 महिलाओं को संभालने के लिए केवल 2 ही पुलिस के जवान मौजूद हैं। वितरण से जुड़े कर्मी कार्य को छोड़कर अब बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, और ऐसे में जो शिविर लग रहे हैं उसमें महिलाओं की भारी भीड़ होने की वजह से व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं। कोटा के इटावा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तो बड़ी संख्या में महिलाएं फोन लेने के लिए इन शिविरों में पहुंच रही हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए गेट को कूद कर भी महिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आई। बड़ी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा फोन लेने के लिए, ये महिला लाभार्थी हैं। और इन तमाम महिलाओं को यहां पर शिविर में जो पहुंच रही हैं व्यवस्थाएं देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, लेकिन कई शिविरों में महिलाओं की उमड़ती भीड़ को मैनेज करने में विफल साबित हो रहे हैं कर्मचारी और पुलिस। हमारे सहयोगी उमेश गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कोटा के इटावा में ये शिविर महिला लाभार्थियों को फोन देने के लिए लगाया गया है, लेकिन किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर चरमराई एक बार बताइए। जी, इटावा कस्बे में ये मोबाइल वितरण के लिए केंद्र है, अंबेडकर भवन में केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर इटावा ब्लॉक के काफी संख्या में महिलाएं फोन लेने के लिए पहुंची है। यहाँ पर व्यवस्थाएं नाकाफी है। आज करीब 1500 से अधिक महिलाएं फोन लेने के लिए पहुंच गई, जिनको संभालने के लिए केवल 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसके चलते महिलाएं बेकाबू हो गई और दरवाजा जो भवन का जो दरवाजा था उसके ऊपर से कूद कर महिलाएं अंदर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी रही है, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशानी आ रही है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है इटावा में। जी बिल्कुल उमेश, तो ऐसे में कुछ शिविरों को लेकर जो मैनेजमेंट की बात है, कहीं ना कहीं अधिकारियों से वहां पर चूक हो रही है कि एक लाइन लगाकर महिलाओं को एक एक करके बुलाया जाए, और चूंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को जब यहां पर महिला लाभार्थी हैं, ये मोबाइल इनको मिलेगा, तो ऐसे में प्रॉपर टाइम दिया जाए या फिर जो मैनेजमेंट होता है पूरा वो सिस्टम चरमरा गया है, तो अधिकारियों की चूक इसे मानी जाए और पुलिसकर्मी यहाँ तैनात नहीं है इतनी महिलाओं को देखने के लिए, इस शिविर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं, इटावा उपखंड क्षेत्र में केवल 1 ही मोबाइल वितरण केंद्र बनाया गया है, जहां पर हजारों लाभार्थी हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी पंचायत मुख्यालय पर वितरण केंद्र बनाए जाए, ताकि ग्रामीण जो अपने अपने पंचायत मुख्यालय वहां से लाभ ले सके। अधिकारियों से हमारी बात हुई थी कि आने वाले 3 से 4 दिनों में खातोली, अयाना और पिपलदा में नए केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखने में मिल रहा है कि महिलाएं काफी तादाद में इटावा पहुंच रही है, जिसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। पुलिस के जवान सिर्फ 2 ही तैनात है, जिसे व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है। चलिए ठीक है उमेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो महिलाएं गेट फांद कर भी शिविर के अंदर जाती हुई नजर आई, खोड़ मोबाइल फोन्स को लेने की, लेकिन यहां पर जो लाभार्थी महिला पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं इनमें भी धैर्य का बांध टूट रहा है और जो अधिकारी हैं वो भी मैनेज करने में विफल साबित हो रहे हैं। शिविरों में जब इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना पहले से ही तय था, तो पहले से ही सिस्टम क्यों नहीं मैनेज किया गया, क्यों एक सिस्टम निर्धारित नहीं किया गया कितनी महिलाओं को मोबाइल फोन किस तरीके से वितरित किए जाएंगे।